अगर हिंदी में प्रोनाउंस करोगे तो बर्थडे का नाम आता 27 जून। मेरी जून सताई हुई है। जून सताई मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक हसीन व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:45 और हम पहलगाम में अपना सामान गाड़ी में रख रहे हैं और बस निकलने की तैयारी है दिल्ली की तरफ। और आज का जो टूर रहेगा नॉन स्टॉप रहेगा दिल्ली तक। अभी कितनी देर में पहुंचेंगे ये डिपेंड है जाम पे। मे बी टाइम पे पहुंच जाएं या मे बी 4-5 घंटे डिले होने के कारण रात को 2-2:30 बजे पहुंचे, पर आज पहुंचेंगे। और जो कश्मीर की सीरीज़ थी वो बहुत अच्छी रही, हमारी भी अच्छी रही, आपकी भी अच्छी रही। तो फटाफट नीचे चलते हैं, दोबारा से जो सामान थोड़ा बहुत रह गया वो रखते हैं गाड़ी पे और कीरत को गोदी पे उठाते हैं। बेचारा वो सो रहा है, उसको सोते सोते ही लेके जाना है हमने। हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है। कल का फोटो देखा था अपना? नहीं देखा। आ गया टीवी पे वो तो? टीवी पर है। हाँ, सबने देख लिया टीवी पे। हाँ, आपने नहीं देखा? आज व्हाट्सएप करेगा आपको देखना। हाँ, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, फिर आराम से देखना। सर, व्हाट्सएप करना है। ठीक है। ये बहुत बढ़िया बंदे हैं हमारे बशीर भाई, इन्होंने हमारी बहुत ख्याल रखा है और बहुत सेवा की है यहाँ पे। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, मिलते हैं आपको गाड़ी में। तो बस यही सामान रह गया थोड़ा सा और बाकी जो थोड़ा बहुत अंदर रह गया प्रनूर लेके आ रही है। कीरत भाई साहब को मैंने गोदी में उठा लिया और इनका कंबल बिछा दिया गाड़ी पे रात को ही, ताकि इन भाई साहब को सोने में दिक्कत ना हो, ये सोते सोते जाएंगे। तो फटाफट इनको लिटाते हैं, तब तक सवार हैं और ऊपर से हम लोग निकल जाएंगे फटाफट। तो अंकित औरों का भी सामान आ चुका है ऑलमोस्ट सारा, उनके आने की देरी है बस। देखो छोटा मोटा सामान प्रनूर लेके आती हुई और इनका सामान ही आ रहा है पर ये तो आ ही नहीं रहे। प्यारे से व्यू को बाय बाय और अब जल्दी मिलेंगे किसी और अच्छे व्यू पे, किसी और अच्छी लोकेशन पे। हाँ, एक प्रोग्राम और है बहुत जल्दी है, वो भी आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ है, कैसा है, और उस प्रोग्राम में भी बहुत मज़ा आएगा। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि आपने कश्मीर की जो सीरीज़ देखी है इसमें आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। और अब हम लोग चलते हैं, अंकित भी आ चुका है मुझे दिख रहा है, तो फटाफट निकलते हैं और फुल फन मारते हैं, वापस रास्ते पे भी फन मारते हैं। मैडम चलें, खोलें। ओके, ये देखो लड़ता हुआ कपल आ रहा है और ऊपर बैलून। बाय 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 बाय। तो प्रीति भी आ गई, कीरत भी सो के उठ गया, प्रनूर पीछे बैठ चुकी है और इस गाड़ी में भी ये सब बैठ चुके हैं। सिर्फ दो ही बंदे लेट हैं, अमन और मीता। ये कभी टाइम से तैयार होते ही नहीं है, मैंने हमेशा देखा है, जबकि इनको सबसे जल्दी तैयार होना चाहिए। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे, हम फर्स्ट क्लास फास्ट तैयार हो जाते हैं, ये ऑलवेज लेट, फुल लेट रहते ही बंदे हैं। सब उसको वार्म अप करते हैं ना, क्या कहते हैं, बाइक को, हम गाड़ी के इंजन को वार्म अप करेंगे आज। भाई साहब थोड़ी जल्दी जल्दी, तू पौड़ा घंटा लाए था बाहर आते, तेरी फंसी रहती है। पर तैयार हो रहा है 19,183 किलोमीटर में। देखो इस बंदर को हमने केला दिया और बाकी बंदर देख रहे हैं, पर हमारे पास था ही एक, हम क्या करते हैं। अरे एक मिनट ना, कुछ नहीं होता। और यहाँ अभी चूहा आया था तो उछल रही थी, बंदर आएगा तो है, चूहा आया तो बेड पे कूद के चढ़ गई थी। ये पेट्रोल की बत्ती भी जल गई है, हम डलाते हैं पहले चल के गाड़ी में पेट्रोल, तब तक हमारे पीछे वाले साथी आ रहे हैं, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस के लोग हैं, तो वो जब तक आएंगे हम लोग चलते हैं। तो बहुत अच्छी सीनरी को बाय बाय और सुबह सुबह नदी क्या नजर आ रही है देखो। तानू साडी गल दा जवाब दे जाई, महंगे एहसासां दे हिसाब दे जाई। पहलगाम से चले थे तो पेट्रोल की लाइन लगी हुई है, से हम ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, तो सारे पेट्रोल पंप जितने थे वो बंद थे, तो अभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पेट्रोल पंप की जगह मिली है और यहाँ पे लगी हुई है अब लंबी चौड़ी लाइन, 15 मिनट से खड़े हैं। अपनी गाड़ी तो हो चुकी है फुल और अंकित की गाड़ी भी हो गई है फुल, मतलब 4675 रुपीज का पेट्रोल आया। अब की बार ना मैंने पूरा पेट्रोल लिखा है कि कितना पेट्रोल डाला है दिल्ली से वापस, मतलब यहाँ तक और यहाँ से वापस दिल्ली तक। तो आपको एक जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे कि हमारा टोटल पेट्रोल कितने का लगा है और हमारा खर्चा कितना हुआ है। बेशक हमारी अकोमोडेशन फ्री थी, बट जो राइड्स हमने की एंड जो सारी चीज की है उस पर हमारा कितना एक्सपेंडिचर आया वो सारा आपको बताएंगे। उसमें आप अपने अकोमोडेशन जोड़ लेना, आपने कभी आना हो तो आपको मतलब एक टेंटेटिव टूर पता लग जाएगा कि कितने का बनता है। तो ये हम वापस पहुंचने वाले हैं काजीकुंड टनल की ओर, और
देखो व्यू कितना प्यारा दिन का। जब ये हमने जो हम रात को आए थे उस दिन श्रीनगर ना जब पहुंचे थे तो आपको ये व्यू नहीं दिखा पाए थे। अब ये व्यू देखो, सामने मस्त पहाड़ है। पहले गाड़ी साफ कर ले शीशा और फिर आपको जरा प्यारा सा व्यू क्लियर नजर आ रहा होगा ना। पहले थोड़ा गंदा सा रहा था, क्लियर आ रहा होगा। हमारी प्रनूर बेटी मस्त सो रही है। तो ये भाई लोग हनुमानगढ़ से राजस्थान से हैं और ये हमें मिले, इन्होंने हमारी गाड़ी देखी तो आ गए हमसे मिलने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू, वेलकम भैया। तो ये आ गए हम काजीकुंड टनल के अंदर और यहाँ पहले जरा गाड़ी का शीशा अच्छे से साफ कर ले। और ये है 9 किलोमीटर लंबी टनल। ये वो टनल है जो बनिहाल को टच करेगी और इस टनल की वजह से ना ऑलमोस्ट 1.5 से 2.5 घंटे का जो रूट है ना छोटा हो जाता है। जब से ये टनल स्टार्ट हुई है तो जवाहर टनल की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, सब यहीं से जाते हैं। तो भाई अब टनल क्रॉस कर ली है, फिर वापस रोड पे आ गए और टनल क्रॉस करते ही जो पहाड़ का व्यू है कितना प्यारा सा है ना। प्रभनूर की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो आगे आ गई है और प्रीति को एडवेंचर मोड के मजे लेने थे, वो पीछे चली गई है, बैठ छोड़ देना, लेटी हुई है। इतनी तेज लग रही है मम्मी का एड्रेस। तो इसको एक्चुअली ना थोड़ा सोना भी था लेट के, तो ये आराम से पीछे लेट गई है। तो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और मजे करते हुए जा रहे हैं। तो भाई जम्मू पहुंचने में 111 किलोमीटर बाकी है और रास्ते में हो रही है खूब बारिश। मतलब हमारी गाड़ी जितनी गंदी हुई है उतनी साफ हो जाएगी बाहर से। मेरा कहना नहीं है, ये कीरत का कहना है। क्यों भाई, वो भी गई। तो प्रनूर को तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेचारी। कभी कोक पी रही है, कभी मार्शमेलो खा रही है, कभी टॉफी खा रही है, कभी कोक पी रही है। मतलब फिर भी तबीयत ठीक नहीं है, खा पी बोल रही है। अभी पीछे से आवाज आएगी चीखने जगाने की, वो देखते जाओ। भाई अभी ऐसे चिकन है, पीड़ा के राजमा चावल जो सब कहते हैं बहुत फेमस होते हैं। ये तो अच्छे नहीं लगे थे, इस करके हम गाड़ी भी नहीं रोक रहे, हम भगा रहे हैं यहाँ से। जम्मू में जाके कुछ खाएंगे। तियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। तो भाई गाड़ी लेके पहुंच गए मैकडोनल्ड में जम्मू से 20 किलोमीटर पहले। हाँ जी, गुड मॉर्निंग हो गई, है वीडियो नहीं डल रही भाई, यहाँ वीडियो डालने के लिए हो रही है। रात को डालनी थी ना, रात की डली हुई। हम जाम मुक्त आए हैं आज, बस ये खुशी हुई कि 4 किलोमीटर का जाम, 4 किलोमीटर की टेंशन नहीं होती। 5:30 बजे निकलने का फायदा है। अब समझ आ गई, कभी श्रीनगर से निकलना हो सुबह 5:30 बजे निकल जाओ। वैसे एक साल में तो हाईवे तैयार हो जाएगा। अभी मैकडी में खाते हैं एक एक एग बर्गर और एक चिकन बर्गर। बच्चों के लिए चिकन ले रहे हैं, अपने लिए एग ले रहे हैं। तू कौन सा लेगा भाई? कोई भी ले लेंगे यार, जो मिल जाए। और रोटी खाएंगे आज हम जलंधर में। हरविंदर जी का फोन आया था, आज लंच उन्हीं के पास करेंगे, चाहे 3 बजे पहुंचे, चाहे 4 बजे पहुंचे, चाहे 2 बजे पहुंचे, लंच हरविंदर जी के पास। भाई बर्गर ऑर्डर हो गया सुबह सुबह, ये है हमारा ऑर्डर, मैक चिकन एग, मैक चिकन, मैक चिकन स्पाइसी और फ्राइज। और ये रहे अंकित का ऑर्डर। और ये देखो मैडम आई है, ऑर्डर दे दू के निकल गई है। तो बर्गर ले लिए हैं और गाड़ी में खाते हुए चलेंगे जी। मैकडोनल्ड से निकल चुके हैं और अब हम क्रॉस कर रहे हैं जम्मू को और टूवर्ड्स टू जलंधर जा रहे हैं। अभी हरविंदर जी का कॉल आ गया है, उन्होंने कहा है कि मैंने क्लब कबानास है यहाँ पे फगवाड़ा से 6 किलोमीटर पहले जलंधर रोड पे, तो वहाँ पे आपके लिए लंच बुक किया है, आप आओ हमारे साथ लंच करो। तो अब हम उनके साथ लंच एंजॉय करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे और बस, और जो करेंगे आपको दिखाएंगे। क्यों भाई, क्या बोलती? और कीरत मस्त सो रहा है, देखो नीचे, देखा दिख गया होगा। मैं एक्चुअली गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो पीछे नहीं देख रहा, दिख ही गया होगा। ना प्रीति को थार दिखाई, थार रेड कलर की, उस पे ना 20 इंची के अलॉय डले हुए थे। ये मैडम कह रही है बड़ी खूबसूरत लग रही है, मुन्नू तुम भी करा लो। मैं कहा मैं करा लेता हूँ, कह
कहती है ऐसे करो पहले ना एक टायर डला लो फिर अगले महीने दूसरा डला लो फिर अगले महीने तीसरा डला लो बजट पे चलेंगे ना देख रहे कितना दिमाग है गाड़ी पहले ऐसे चलेगी फिर ऐसे चलेगी ऊपर चलेगी फिर नीचे चलेगी क्या दिमाग लगाती है भाई कहाँ बजट में चलेगा ना कहाँ दिमाग लगाती है तुम आपके लेवल के ही नहीं आप सोच नहीं सकते अरे लेके तो रख सकती है बाद में लेंगे लेके तो रख सकती है पहले एक ले लेंगे एक महीना फिर दूसरे ले लेंगे ऐसे कर लेंगे ना अपने एक सब्सक्राइबर का भी अभी मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे कि मैं संभा पे आपकी वेट कर रहा हूँ जो जम्मू से आगे है तो आप मुझे मिलके जाना मैं ऑन रोड पे खड़ा हूँ तो हमने उसको बोल दिया भाई अपनी लाइव लोकेशन भेज हम तुम्हें जरूर मिलके जाएंगे तो उसने लाइव लोकेशन भेजी है पहले उसको मिलेंगे फिर आगे जलंधर के लिए निकलेंगे वो देखो छोटे छोटे बच्चे अंदर बैठे हो छुप गए हमारे साथ बात ऊपर देख रहे थे वैसे ही हमने कैमरा ऑन किया छुप गए वो देखो हाथ ही आ रहा है वो देखो दिखा रहे हैं कैसे छुप रहे हैं देखो फिर से आएंगे बाहर अभी बाहर आएंगे देखना वो देखो वीडियो ऑन करते छुप जाते हैं हम जैसे ही वीडियो ऑन करते हैं वो छुप जाते हैं वीडियो बंद करते हैं तो बाय करने आ जाते हैं अब कितने छुपेगा उड़ कितने छुपेगा उड़ कितने छुपेगा ये एक हमारे प्यारा सा सब्सक्राइबर पुल के ऊपर खड़ा है हमें मिलने के लिए हमें कॉल भी किया था हेलो कैसे हो ठीक हो मेरा नंबर कैसे मिला बड़ी पहले से मिला सर मेरे को कोई दो तीन साल पहले से मेरे को कॉन्टेक्ट करा आपसे बात ही नहीं हो पाई बिल्कुल भी अच्छा चलो तो अभी रोहन कश्यप हमें मिला हमारे बहुत प्यारा फैमिली मेंबर है सब्सक्राइबर है उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे तो मैंने उसको उसने कहा कि संभा पे मिलना मैं फ्लाईओवर पे आपकी वेट करूंगा अभी उसको मिले और अब हम लोग निकले हैं उसने कीरत के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए चिप्स दिए तो थैंक यू रोहन वंस अगेन थैंक यू आपको बहुत बहुत और ऐसे ही सब प्यार करते रहो हम भी सबसे प्यार करते रहेंगे और सफर यूं ही बेहतरीन मनाते रहेंगे तो चलो चलते हैं आप जलंधर की ओर तो रोहन इतना सारा सामान दे गया गिफ्ट में रोहन ऐसे गिफ्ट मत दिया करो यार मैंने तो सोचा चिप्स चिप्स दे गए आप तो इतना सारा दे गए आपको वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इतना बार नहीं यार बस प्यार आप प्यार करते हो बस वही बहुत अच्छी चीज है ऐसे गिफ्ट मत दिया करो यार प्लीज रिक्वेस्ट है वाइपर से फिर से सफाई कर रहे हैं शीशा बहुत गंदा हो गया था और वेलकम टू पंजाब पंजाब दी धरती गुरुआ दी धरती ते साडा स्वागत है वेलकम है असी आ गए हैं पंजाब पुलिस दी कोई रीस नहीं भाई ये मोटरसाइकिल वाले ट्रिपल सवारी कर रहे थे सामने पुलिस का बैरिकेड देख के उतर गए एक पैदल चले गए और दो गाय बैठे रह गए हम भी जब बचपन में सारे दोस्त चलते थे ना ट्रिपलिंग करते थे तो ऐसे ही करते थे पंजाब में हेलमेट का चलान है नहीं बैक वाले का नहीं है फ्रंट वाले का है तो हम भी तब ऐसे करते थे तो वो सीन याद आ गया तो मैंने आपको दिखाया और शेयर किया तो भाई लगी है यहाँ पे पंजाब में एंटर होते ही छबील और एक गिलास पिएगी प्रभनूर और उसके साथ फिर मैं पीऊंगा शेयर करके सिद्धू मूसेवाला के बर्थडे के लिए छबील लगी है यहाँ पे क्या बात सल्यूट है लेजेंड को ये नाम कमाया सिद्धू मूसेवाले ने मतलब देखो जाने के बाद भी पब्लिक कैसे उसकी दीवानी है और उसके आज जन्मदिन के दिन पंजाब में जगह जगह पे छबीलें लगी हुई हैं एक जगह हमने पहले देखी थी एक अब आगे ये देखी है और आगे पता नहीं कहाँ कहाँ लगी है तो ये होता है मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं ना उनके साथ ऐसा होता है ये देखो जी तीसरी जगह छबील लगी है सिद्धू के नाम की क्या बात है भाई सिद्धू कमाल करती जट्टा भाई कमाल कर दी पंजाबियों मजा आ गया यार वाकई क्या बात है बेटा सिद्धू के घर चलेंगे थोड़ा टाइम में जब दंदोवा साहब मत्था टेकने चलेंगे ना फिर चलेंगे उसके घर पे और स्पेशल मतलब अपॉइंटमेंट लेके चलेंगे उसके पापा मम्मी को मिलके भी आएंगे कीरत को बहुत शौक है उसके 11 पे बैठने का कीरत को उसकी 11 में बैठा के भी आएंगे तो चलते चलते हम ना इंस्टाग्राम जरूर देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरीज देख रहे हैं स्टोरी और मैसेज देखे थे तो मैसेज पे एक मैसेज आया था मुकेरिया से वो कह रहे हैं कि हम आपका मुकेरिया में इंतजार कर रहे हैं मुकेरिया हमारे से सिर्फ 4 किलोमीटर है तो हम मुकेरिया में उनको मिलेंगे और मिलके गपशप करेंगे और फिर हम जाएंगे आगे तब तक पीछे से अंकित और अमन भी आ रहे हैं वो रुक गए थे पीछे टोल के पास पता नहीं क्या चक्कर है वो हर जगह रुकते आते हैं उनको बड़ा मतलब स्लो प्रोसेस के लोग है वो धीरे धीरे चलते हैं मुकेरिया से सानू साले फैमिली मेंबर मिले बलजीत सिंह जी
और पाजी थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक्स थोड़ा सानू मिलन दे लई। सब मुकेरिया से निकले हैं और बहुत अच्छा लगा बलजीत सिंह जी से मिलके, उनकी वाइफ से मिलके, दोनों मतलब एज अ फैमिली मेंबर मिले हमें। तो इसी तरह आप प्यार दे रहे हो ना, बहुत मजा आ रहा है। ऑन हाईवे में आज बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और हम सबको मतलब शेयर कर रहे हैं, स्टोरी पे भी कर रहे हैं और ब्लॉग पे भी ले रहे हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं। देखो ये ट्रक पे कहीं यात्रा करके आ रहे हैं पूरे लोग। कीरत उठ गया है, कीरत को भी सिद्धू मूसेवाले की छबील पीनी है, अभी इसको भी पिला रहे हैं। तू भी पिएगी? ले भाई, कीरत पीला छबील पीला जेड़ी कट गई है जो पीला में। तो छबील के पीछे प्रमूर इतनी पागल है ना, मुझे कह रही पापा अपन पंजाबी सेटल हो जाते हैं, छबील तो मिलती रहेगी। क्यों भाई? और ये हमारा शैतान सिंह उठ गया। आज मैं काम कर दूं। सिद्धू की कोठी रख दे। सिद्धू की कोठी, सिद्धू की जगह है, दूसरी जगह है। तू आगे आके काम करा ले फटाफट। कीरत उठ के रेडी हो रहा है, पोनी। अच्छा चल पोनी करा ले। कीरत रेडी हो रहा है और उसके बाद मतलब कीरत भी अब सबसे मिलेगा। पहले इतने सारे सब्सक्राइबर मिले हैं, कीरत किसी से नहीं मिल पाया, पर अब कीरत भी सबसे मिलेगा। कीरत जाग रहा है। देखो सिद्धू मूसेवाले का क्रेज देखो पंजाब में, ये देखो क्या जाम लगा है और छबील लगी हुई है मस्त। प्रमूर क्या कह रही है, हर स्टॉल पे पीते हुए चलेंगे। वाह प्रमूर वाह, क्या बात। खाना भी खाना बेटे, अभी पीते जाएगी तो पेट भर जाएगा। हमको सातवीं छबील मिली, सातवीं छबील ना। हम आ गए हैं कबाना रिसोर्ट में, पहले अंदर चलते हैं फिर मिलते हैं। तो हम एंट्री कर रहे हैं अंदर रिसोर्ट में खाना खाने के लिए। ये हमें जलंधर में सब्सक्राइबर मिले हैं, ये लवली यूनिवर्सिटी में। वैसे कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। वेरी गुड, चलो बढ़िया। कौन सी जगह बिहार से? भागलपुर से। भागलपुर, आज हमें सब भागलपुर वाले ही मिल रहे हैं। कश्मीर में भी पूरे भागलपुर वाले मिले? मैं भी अभी कश्मीर हो गया। अच्छा, जाने से कुछ दिन पहले ही। ओके चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आप मिलते हैं सब। हाँ जी महाराज, सत श्रीकाल, की हाल चाल, ठीक हो? फल लिया तुम सानू? सही गल है। गड्डी चलाते इन्ने ढिले है, इन्ने ढिले भाई साहब। कौन गिरिया तेनू? बड़े ढिले ने अगे, इन्ने ढिले बंदे ने तुहानू गड्डी चलानी नहीं आंदी? नहीं नहीं, असि ते अजे लर्निंग लेसन बनवाना है। तो हर 15 मिनट ते तुहानू रुकना हुंदा, हर 15 मिनट ते। पहले मैं भाजी नू फोन करन लग्गा, 1 मिनट हो गए थे रस्ते। की गल, फिर हो गया? किसी ते हो गए सी। अच्छा चलो आओ जल्दी। हाँ जी वधिया लगे गिर के, चलो पीछे फिर ना गिर जाई, हूँ पेट टूटेगा। चलो जी क्रैक तो पै गया, वैसे क्रैक तो पा ही देता। प्रिया तू इनके साथ कहाँ फंस गई है? तू मेरे साथ चल। चार साल पहले मीता का फोन खो गया था, उस गन्ने वाले ने ढूंढ के दिया था, उसका थैंक्स करने जा रहा हूँ। भाई तू इनके साथ कहाँ फंस गई, तू मेरे साथ थार पे चल। अब सोच रही थैंक्स करने अंदर चलेगा गन्ने वाले का। भाई नहीं सुधर सकते तुम, चलो आओ। तो हरमिंदर जी कितनी बढ़िया जगह ले आए सानू, बारी तुसी खवा खुर के भेज देना सी। कितने अच्छे लंबा पाई था इन्ना, लंबे चक्कर थे, लंबे चक्कर थे खाने के। ये विकास जी मुकेरिया से हमारा पीछा करते करते जलंधर तक हमारे पीछे आए हैं मिलने के लिए। थैंक यू यार, ऐसा प्यार दिखाते रहा करो, अच्छा लगता है। हमें चाहिए, अच्छा लगता है ऐसा प्यार। सब आ गए हैं, प्रिया बिचारी लेट लतीफों के बीच में फंस चुकी थी, अब शिफ्ट हो रही है ना, बेबी चेयर में बैठेगी। ओके इसको बताना भी चाहिए, इसको बताना भी चाहिए, इसको बताना भी चाहिए। जलंधर बैठे थे, मैं प्रीति नु पहले बोलता सी कि हरमिंदर जी आ रहे हैं, इन्हां दे नाल सानू 1.5-2 घंटे बैठना पेगा, ते इत्थों प्रोग्राम 5:30 दा ही होएगा। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5:30 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੀਐਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਲੌਗਰੋਂ ਕੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਹਾਂ ਹੈ।
ये ना मीता का फोन 2-3 साल पहले कभी गुबा होगा तो गन्ने वाले ने ढूंढ के दिया था, ये 3 साल बाद उसको थैंक्स करने गया है। ऐसे बंदे भी मिलते हैं। कहते गाड़ी घुमा उधर, मैंने कहा चलो मेरे को उधर मारने जा रहे हैं, मैंने कहा कि फोन नहीं दिया होगा उसने, तो हर वेले लड़न को तैयार रही उधर जाके कहते हैं कि इससे फोन दे दिया तो इससे हाथ मिलाने जा रहा है यार, एक गन्ने का जूस पी लेंदे, एक गेस्चर है ना उन्होंने अच्छा लग जाता कि भाई साहब ने हाथ रखी किया है, फिर वो मिले ही नहीं यार। प्रिया परेशान हो गई अन्ने तई देखो हरमिंदर जी ने केक लगाया था साढ़े लिए, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ओ क्या बात, ओ भाई वाह भाई वाह, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, वाह भाई वाह, क्या बात। इंदर जी तुसी तो पहले ही सेलिब्रेट करता है, अभी मजा तुसी सानू टाइप दी का टाइम नहीं दे रहे, की करिए आओ 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 जी आओ जी आ बेटा आ जा मेरे को, चलो चलो आओ सब चलो कैंडल दी लोड़ी भी और चल माचिस भी तो ले आएगा। हैप्पी बर्थडे 50 सीजन एडवांस, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। देखो कितना प्यार दे रहे हैं यार, अपन डेजर्ट अभी मंगा लेकर केक का स्वाद लेना सी, क्या बात है, हमने ऐसी भी मंगा लिया मछली है। देखो अले बर्थडे 27 दिन बाद है, पहले प्यार 27 दिन बाद नहीं भाई 13 दिन बाद अगर हिंदी में प्रोनाउंस करोगे तो बर्थडे का नाम आता है 27 जून, मेरी जून 27 हुई है, जून 27 भैया तो फुल बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया जी, प्रीति का एडवांस भाई, ये है मजा। और थोड़ा मतलब है बोला मैं इतना, और सारा मतलब ही नहीं है पर बोले जी भाई रोटी खा ली है, अमनदीप की धुन्नी में तूक लगवा दियो, नहीं नहीं अभी नहीं आई, मैंने बोला कि खाना लेट खाया है, इसको बहुत आती है यार, ये बंदा ऐसा है ये दिन में 6 बार जाता है बाथरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए, बंदा एक बार जाए जाए ये फ्रेश 6 बार जाता है ये, हाँ ये 6 बार इनको, अरे नहीं मैं बताता हूँ रुक 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 मैं बताता हूँ, पुराने जमाने में ना वो नीचे लोग टैंक बनाते थे, इनके यहाँ टैंक बनाता तो एक दिन में फुल हो जाता है, मैं भी लेने आता भाई तेरा पता है तो ये राज चले जाए जा जाता है लिख दिया शाहरुख खान जी ने साइन किए थे, शाहरुख खान ने हाथ साफ किए थे इस नैपकिन से, कैटरीना कैफ ने किए थे और राणा सनाउल्लाह खान, क्या बात भाई, मैंने भी इस प्लेट में हाथ साफ किया, अभी लगाई जाएगी तो दिल ले गई अच्छा ऐसा तो जिससे मैंने नैपकिन करा था वो फ्लश हो गया, बड़ा बेइज्जती की बात है भाई, इधर भी लगे हैं ओ भाई, अपने धर्म पाजी भी आए हैं, लॉट्स ऑफ लव। अनुष्का शर्मा ये तो मेरी सहेली है, हाँ मिला दूंगा, ये कौन है, ये पदू के, ये मेरी वो है और ये मेरी सहेली है बड़ी पुरानी, योर फैन, अच्छा ये प्लेट जो खाली पड़ी है ना यहाँ मेरा नाम लगेगा, यहाँ मेरा नाम लगेगा कल पता तुझे, मैं
सही में कल मेरा नाम लगेगा, मैंने इनको टिश्यू दे दिया अंदर। हाँ जी करा लेने, कल लग जाएगा मेरा नाम। हार आ चुकी है। और प्रिया क्या प्रोग्राम है तेरा? गाड़ी चलाएंगे। तुम जाओ फिर वही जा रही है, वो फिर पकाएंगे, वही काम करेंगे यार। प्रिया कोई नहीं, अब उसको हमसे प्यार हो गया, आदत हो गई। अरे आदत नहीं हो गई, वो कह रही अंकित को कहाँ छोड़ूंगी तुम्हारे पास। कह रही अमन भैया मैं आज के बाद जिंदगी में कहीं नहीं जाऊंगी आपके बिना, नीता भाभी को छोड़ दूंगी, आपको नहीं छोड़ूंगी। वो कह रही कि अंकित भाई बिगड़ गया, अंकित को कहाँ छोड़ूंगा। हां ऐ गल होई है, देख तो 5 घंटे से पोस्ट चल रहे, तुम अजे भी देखो गल नहीं कर रहे। अंकित ने मैंने कहा अमन भैया आपकी क्या लड़ाई होती है, आप किसी भी बात पे कर लो, वो मेरे को डेमो दे रहा है, ये मेरे को डेमो दे रहा है, ये कह रहा है आपकी और मैं दिखा रहा हूं, मियां बीवी आप डेमो नहीं दे रहे, मैं आपको टीचिंग दे रहे हैं। मैं दादा रे जब मियां बीवी लड़ाई हो गई है, कहता आप दोनों स्टैंड नहीं लेते, दो मिनट में मारे सुलह हो जाती है, जिसने लड़ी अपने क्वालिटी। अबे तुम क्या लड़ोगे, लड़ते तो मैं और पीछे, तुम क्या लड़ोगे हमारे सामने। तुम सिर्फ ये इधर लड़ते हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू। तो मैं कह रहा हूँ जी क्या बढ़िया हॉस्पिटैलिटी दी है हरविंदर जी ने, मतलब इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मतलब मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, थैंक यू वेरी मच। मतलब उन्होंने प्रीति का बर्थडे भी यहाँ पे ना क्या मतलब एडवांस में सेलिब्रेट कर दिया, तो उनको वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इतनी प्यारी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए। तो हरविंदर जी हम आपका बड़ा इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में, आप अभी आ रहे हो तो अभी हम दिल्ली में मिलेंगे आपको, तो लॉट ऑफ थैंक्स वंस अगेन, थैंक। तो अब टाइम हो गया है पौने सात बजे हम निकले हैं जलंधर से, कबाना से। तो अब जलंधर से निकले, अब दिल्ली पहुंचने में कितनी देर लगेगी तो हमें भी नहीं पता, पर ठीक है दिल्ली पहुंच जाएंगे आराम से, खाते पीते मजे करते इंजॉय करते। तो अभी बस लुधियाना पहुंचे हैं, लुधियाना पहुंचते ही सब्सक्राइबर का कॉल आया है, मतलब फैमिली मेंबर का कॉल आया है, कह रहे हैं कि रेड मैंगो में मिलो, वहाँ पे आपके साथ चाय पियेंगे। तो अब मैं अंकित को फोन किया है कि वहाँ पे रेड मैंगो पे रुकियो, सानेवाल पे, तो वहाँ चाय पीते हैं, तो अब उनके साथ चाय पियेंगे। मतलब इतना प्यार मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं ना कि मजा आ गया यार, मैं कह रहा हूँ मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, इतना प्यार मिल रहा है। अब सानेवाल पे चाय पीते हैं और उनके साथ कुछ पल शेयर करते हैं और फोटोज आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। तो अब हमारा स्टॉपेज हुआ रेड मैंगो में, ये देती नहीं है जो बैठी है, चलें? हाँ गाड़ी लॉक कर दी, मम्मा उधर आ रही है, वो देखो थार के पीछे से निकल गए, कह रही बस करो, ये कह रही बस करो। साथ 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 बस करो भाई, मेरी बात सुन। अब सुन, अगर भाई इतना प्यार दे रहा है तो कैसे मना करते, यही तो प्रॉब्लम है ना। चलो अगले कह रहे हैं हमारे साथ चाय भी, हमने कहा बिल्कुल पिएंगे, उन्हीं के सदके हम हैं, जो हमारे काम है ना घर वाले जो जुतियां ही खाई सारी उम्र, तो लोग पब्लिक सब इतना प्यार दे रही है तो जाना पड़ता है, प्यार कर रहे हैं सबको। चलो ते वीर जी सानू लुधियाना तो स्पेशल मिलन आए सानेवाल और वधिया जी चाय पिला रहे, थैंक यू जी, थैंक यू, असि खाली चाह पीण वाले हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, असि यह उम्मीद करांगे अज सेकंड टाइम में मिले हां भाजी नु ते हुन ए रिलेशन होर बिल्डअप होएगा, बिल्कुल पक्का, कहने दी लोड ही नहीं, ए मेनू सेकंड टाइम मिला सी लुधियाना मीटअप ते मिले सी, हुन तैनू पता लग गया होगा, तेरे सारे व्लॉग देखदे 23 सेक्टर दे, तेरे मोमोज पता उन्होंने तेरे फेवरेट है, असि कोई नहीं खांदे सारे खाने दे, हुन सिर्फ तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते इक ही आया, हुन इक सब तो बड़े हाँ जी पहले मोमोज खा, नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना, ऐसे करते तू रिप्लाई भी नहीं करती, शर्म नहीं आती, देखो तो जानो ना जानो रिप्लाई तो करो ना, या मोमोज खा रही है तब जानती है, अब जान गई। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी प्रनूर चले, पक्का दोस्ती हो गई अच्छे से, चल भाई काय पापा।
वो वही गुस्सेगा। चल क्या खाएगी? चुप करके उठ के बाहर निकल गई थी। क्यों? मैं थक गई भैया। मिलके खाएंगे बच्चे। वाओ। और चलो पकड़ो, शाबाश, क्या बात। चलो थैंक यू तो कर दे, अंकल को मत्था तो टेक दे, आंटी को भी टेकना होता है। चलो जी बहुत थैंक यू जी, बहुत अच्छा तुसी वेलकम दिता, बहुत थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पक्का 100% 10 के आओगे खाना खा के जाओगे। ठीक है, वेट करेंगे। अपने को अपने सब्सक्राइबर और फैमिली मेंबर एम कुमार जी मिले हैं, ये राइड कर रहे हैं। आपकी जी पूरी आप ही खुद बताएंगे। इंडिया से वर्ल्ड की इंडिया का 13,000 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ मैं। ओ वाओ। और मैं ये राइड शहीदों और जितने भी अपने जितने फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए करता हूँ, और इंडिया के जितने भी इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स के शहीद हुए हैं उनको ये राइड समर्पित है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मैं खुद डिसेबिलिटी पर्सन के लिए भी राइड कर रहा हूँ। क्या बात है, तो हम इस राइड को फुल सपोर्ट करते हैं और आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। भैया का इंस्टा आईडी मैं इसमें नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग भैया को फुल सपोर्ट करो और मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो। ये अपने लिए प्राउड मोमेंट है कि मतलब जो शहीदों के लिए जो राइड कर रहे हैं और वर्ल्ड के अंदर राइड करनी है वो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बिल्कुल आप दिल्ली में, बिल्कुल आप दिल्ली में पक्का मिलो जी। क्या बात, ये तो ये राइड कर रहे हैं जी, इंडिया टू वर्ल्ड राइड, ग्रेट। तो ये हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर्स मिले हमें अंबाला में, सो नाइस जी, बहुत अच्छा लगता है। तो अपना हरियाणा आ चुका है जी अंबाला। और आपको एक बात बताऊं, इतनी खुशी हुई ना मुझे, बहुत मतलब दिल से खुशी हो रही है, हमको इतने सब्सक्राइबर्स का प्यार मिल रहा है। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, आप भी कहोगे क्यों बोल रहा है, बट इतना प्यार मिल रहा है ना अभी अंबाला में, ग्रैंड हवेली में हमें मतलब एस कुमार जी भाई मिले हैं और ये पूरी बाइक राइड कर रहे हैं वर्ल्ड की। इंडिया में इन्होंने अभी तक 13,000 किलोमीटर चला दिया है, और सबसे बड़ी बात है जितने शहीद हुए हैं ना आर्मी के, ये उनको मतलब समर्पित एक राइड है, और रॉयल एनफील्ड वाले भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी भी पूरी सपोर्ट इनके साथ है तहे दिल से। और जब कभी ये कहेंगे हम इनको पूरा ब्लॉग पे भी बताएंगे इनके बारे में, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी स्टोरियाँ भी शेयर करेंगे। आपको भी रिक्वेस्ट है हमारी इंस्टा पे जो स्टोरी है और जहाँ पे है, इनकी कभी भी आए तो उसको रीशेयर करो। मतलब ऐसे बंदे को प्रमोट करने में ना बहुत मजा आता है जो देश के लिए काम कर रहा हो। तो सबसे पहले देश हित है, बाद में सब रिलीजन है, सबसे पहले देश हित है। हेलो हेलो है सबको, कैसे हो जी। तो ये करनाल पे अपने सारे सब्सक्राइबर मिले हैं अपने को, पूरे फैमिली मेंबर्स अच्छे से। वाओ। हम पीछे से पूरा लेट आए हैं सबको मिलते हुए, इस करके लेट हो गए हैं, तो आपको वेट कराया, सॉरी उसके लिए। नहीं 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 नहीं, आप सबका प्यार है तभी तो हम लोग यहाँ हैं। फोटो सेशन हो रहा है, फोटो सेशन। आप सबका प्यार है, आप लोग तो अभी करनाल पे पूरी फैमिली मिली, उन्होंने बहुत प्यार किया और बहुत देर से खड़े थे, हमने उनसे पहले फिर माफी मांगी, अपनी वही बात फिर माफी मांगी कि हम लेट हो गए। मतलब 11:30 हो गए और जोश कम नहीं है, फुल जोश है सबका मिलने का, बहुत मजा आ रहा है, हमें भी बहुत मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा है, पर हमें भी आपसे ज्यादा आ रहा है। और अब हम पहुंच रहे हैं, आंखों में नींद है, ड्राइव करनी है सुबह कंटिन्यू, 5 बजे से 5:15 बजे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रात के 11:30 बज चुके हैं और सबको मिलते हुए आ रहे हैं, सबको मतलब जहाँ जहाँ मैसेज आ रहे हैं सबको मिल रहे हैं और बहुत ही प्यार मिल रहा है। और अभी एक मैसेज हो रहा है, वो पानीपत टोल पे भी सब खड़े हैं, फिर भी कोई जो रह गए हैं जो पीछे, हाँ उनको फिर मिलेंगे और पक्का मिलेंगे। आप डीएम करते रहो, हम सबके डीएम का रिप्लाई दे रहे हैं और सबको मिल रहे हैं, हम खुद आपके द्वार आ रहे हैं आपको मिलने के लिए, चिंता मत करो, आपको नहीं आना पड़ेगा, हम आ रहे हैं आपको मिलने के लिए। हमारे पानीपत के सारे फैमिली मेंबर्स, और इनको मैंने बहुत वेट कराया, ज्यादा कराया, बट सॉरी उसके लिए। नहीं नहीं, आना था, आप इतने प्यार से बुला रहे हैं तो आना ही था।
बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। तो भाई लास्ट पानीपत पे सारे सब्सक्राइबर्स को मिले, फैमिली मेंबर से मतलब अच्छे से मिले, फोटोज खिंचाई और अब घर की तरफ निकल चुके हैं। और टाइम हो गया 12 बज चुके हैं और अब मतलब और 2 घंटे जाग लिया ना तो 24 घंटे हो जाएंगे जागते हुए, ये हिसाब हो गया है। तो आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, हम दिल्ली तक भी नहीं लेके जा रहे, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। टिल देन आप इस व्लॉग को एंजॉय करो, टेक केयर, सत श्री अकाल, आदाब, शब खैर। और किरण एंड करेगा आज, इस व्लॉग को एंड करते हैं, होप करते हैं आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बाय लाइक करने पर तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाय डकन बाद।